फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोनिकास किचन। आज मैं आपको ऑरेंज कैरेट पुडिंग बनाना बता रही हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है, साथ में बहुत कलरफुल भी है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मिल्क, 1/2 कप कस्टर्ड, 1/4 कप शुगर, और ये 2 पैकेट पार्ले जी बिस्किट्स के हैं, और साथ में ये ऑरेंज और कैरेट है। कैरेट को मैंने जो इसका ग्रीन पार्ट होता है, जो इसमें यहाँ पे ग्रीन ग्रीन होता है, वो मैंने निकाल लिया है। और साथ में मैंने ये ऑरेंज है, इसको भी अच्छे से पील कर लिया, और इसके अंदर जो सीड होते हैं, इसको अच्छे से पील कर लिया, और इसके अंदर जो सीड होते हैं वो मैंने निकाल लिया। ऐसे मैंने देखिए सभी कैरेट का ग्रीन पार्ट निकाल लिया, और ऑरेंज को भी अच्छे से पील करके इसके अंदर जो सीड और छिलके से होते हैं वो मैंने रिमूव कर लिया। इसका हम जूस निकालेंगे, और साथ में ये व्हिप क्रीम है। तो अभी हम कैरेट और ऑरेंज का जूस निकालेंगे। हमने ये जूसर ले लिया, इसमें हम ये ऑरेंज कैरेट है, इसको हम इसमें डाल के इसका जूस निकालेंगे। अगर आपके पास जूसर ना हो तो आप मिक्सी में ब्लेंड कर सकते हैं। कैरेट को और ऑरेंज को दोनों को मिक्सी में ब्लेंड कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको छान लीजिएगा, तो जो उसका रसा आएगा उससे भी हम पुडिंग बना सकते हैं। इसमें 2 ऑरेंज लिए हैं और साथ में 1 कैरेट लिया है, उसको अच्छे से वॉश करके कैरेट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके उसके जो ग्रीन पार्ट होता है वो मैंने निकाल दिया था। और ऐसे मैंने ऑरेंज के जो सीड होते हैं, जो उसमें थ्रेड होता है, वो मैंने निकाल दिया। तो उनका दोनों को निकाल के फिर मैंने जूस निकाल लिया, और ये देखिए इसका ऐसा कलर आ गया है। अब हम इसको गैस पे थोड़ा पकाएंगे, फिर हम इसमें कस्टर्ड और शुगर वो दोनों ऐड करेंगे। हमने ये जूस लिया, इसको हमने पैन में ट्रांसफर कर लिया, साथ में हमने इसमें ये कस्टर्ड है वो हमने इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। और साथ में ये शुगर है वो भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 1/4 कप शुगर लिए, अगर आपको कम लेनी है, ज़्यादा लेनी है, तो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमने इसमें शुगर भी इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे, और कंटिन्यूसली इसको चलाते रहेंगे, अदरवाइज में लम्स आ जाएंगे। और ये हमें थोड़ा थिक चाहिए, जब तक ये थिक नहीं होता तब तक हमें इसको ऐसे चलाते रहना है। अगर हम इसमें ये फ्रेश जूस लेंगे तो हमारी पुडिंग बहुत अच्छी बनेगी। तो कोशिश करिएगा कि हम फ्रेश ही जूस निकाल के पुडिंग बनाएं अपने। जो मार्केट से जो जूस आते हैं, एक तो वो उसमें शुगर बहुत होती है, और साथ में हमें पता भी नहीं चलता कि उन्होंने इसमें और क्या क्या ऐड किया है। तो बेटर है कि हम फ्रेश जूस निकाल के पुडिंग बनाएं। ये देखिए अभी हमारा ये जूस जो है, हमने इसमें जो कस्टर्ड और शुगर ऐड करी थी, उसके बाद ये देखिए ऐसे ये थिक हो गया। हमें इसी फॉर्म में अपना जूस को रेडी करना है, और इसका कलर देखिए कितना ही अच्छा आया है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अभी हमने ये पुडिंग ट्रे ले ली है, अब हम इसके ऊपर ये बिस्किट हैं पार्ले जी के, ये हम इसमें लगाएंगे। हमने यो भी कैरेट और ऑरेंज जूस का जो कस्टर्ड रेडी किया है वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। अच्छा, जब हम कैरेट को जो यूज़ करना है वो हमें ना रेड कैरेट लेनी है। अगर हम ऑरेंज कैरेट लेंगे तो उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं होता, और जो रेड कैरेट होता है उसका टेस्ट अच्छा होता है, उसमें मीठा होता है, तो हमें रेड कैरेट लेनी है। अब हम इसके ऊपर ये ऑरेंज और कैरेट का कस्टर्ड जो हमने बनाया वो हम इसके ऊपर डालेंगे। इसको हम थोड़ा सा स्पून से ऐसे स्प्रेड कर लेते हैं, इवनली कर लेते हैं। तो हमने आलमंड स्प्रिंकल कर दिया, अब हम इसके ऊपर ऐसे हम पहले हम बिस्किट की लेयर लगाएंगे, फिर हम इसके ऊपर मिल्क स्प्रिंकल करेंगे, फिर हम ऑरेंज कस्टर्ड जो हमने रेडी किया है वो अप्लाई करेंगे, फिर अगर इसके ऊपर आलमंड लगाएंगे। ऐसे हम लेयर्स बाई लेयर्स इसको ऊपर तक इसको हम ऐसे ही फिल कर लेंगे।
ये देखिए हमने ये ऐसी 3 लेयर्स इसकी रेडी कर ली है। अब हम इसके ऊपर क्रीम स्प्रेड करेंगे, जो व्हिप क्रीम होती है हम उसके इसके ऊपर हम वो व्हिप क्रीम लगाएंगे। इस क्रीम को भी हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये टूटी फूटी कलरफुल टूटी फूटी ये हम ऐसे इसको साइड से इसको डेकोरेट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये एलमंड है ये भी हल्का सा स्प्रिंकल कर देते हैं। ये देखिए हमारी ये कलरफुल ऑरेंज कैरेट पुडिंग रेडी हो गई है। देखने में कितनी कलरफुल है, साथ में कितनी अट्रैक्टिव भी है, बच्चे जब देखेंगे तो उसको बिल्कुल खाना चाहेंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।